स्टूडेंट्स, कृष्णा ध्वनि बंगला कमाल को छोटे द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BNLT 6 सेमेस्टर के लेखक और BN 6004 अर्थात पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आश्रय आश्रम पर उसकी परिभाषा विधि आधार और कारण और साथ में क्या आश्रय प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है पर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आश्रय शब्द लैटिन भाषा का है जो ग्रीक शब्द एसाइलिया से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य उल्लंघनीय स्थान से है। यह शब्द उन मामलों में प्रयोग किया जाता है जिनमें राज्य, क्षेत्रीय राज्य, निदेशक राज्य के किसी व्यक्ति को सौंपने में या सौंपने से इनकार कर देता है तथा उसे अपने राज्य क्षेत्र में शरण तथा सुरक्षा प्रदान कराता है। इस प्रकार आश्रय दो तत्वों को शामिल करता है। प्रथम आश्रय जो अस्थाई शरण से अधिक है, दूसरा आश्रय देने वाले राज्य के प्राधिकारियों की ओर से सक्रिय सुरक्षा का अंश। ये दोनों तत्व आश्रय को अप्रवास से अलग करते हैं। जिस व्यक्ति को आश्रय दिया जाता है उसको आश्रय कहा जाता है। आश्रय प्राप्त किए हुए व्यक्ति को शरणार्थी कहना उचित नहीं है। ऐतिहासिक रूप से आश्रय की अवधारणा बहुत प्राचीन तथा परंपरागत है, जो प्रत्यर्पण के सिद्धांत के विपरीत है तथा अंतर्देशीय को परंपरागत आश्रय नहीं प्रदान किया जाता। वहाँ इन कार्य को परंपरा से भिन्न अर्थात प्रत्यर्पण के रूप में माना जाता है। फिर उसके बाद में आती है आश्रय की विधि। अब आश्रय की विधि को जानिए। राज्य द्वारा आश्रय देने का अभ्यास काफी समय से किया जाता रहा है, क्योंकि यह या तो कुछ प्रत्यर्पण संधियों में या राष्ट्रीय विधियों में निर्दिष्ट है। कभी कभी इसे किसी उचित विधिक आधार के बिना भी प्रदान किया जाता है। तथापि आश्रय की अवधारणा को अभी भी आवश्यक स्पष्टता नहीं प्राप्त हो पाई है। राज्यों के अभ्यास उस प्रकार की विधि का गठन नहीं करते जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में रूढ़िगत कहा जाता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग आश्रय के विषय को संहिताकरण की अपनी औपबंधिक सूची में शामिल करने उसको अपनी अनुबंधित सूची में शामिल करने के लिए उत्प्रेरित हुआ। महासभा ने 1959 में आयोग से अनुरोध किया कि जब आयोग आवश्यक समझे तब वह आश्रय के अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों तथा नियमों के संहिताकरण का उत्तरदायित्व ग्रहण करे। तदनुसार 1962 में आयोग ने अपनी योजना में आश्रय के विषय को शामिल करने का निश्चय किया, किंतु अपने विचारण को प्रारंभ करने की किसी तिथि का निश्चय नहीं किया। किसी विधि के अभाव में वर्तमान समय में इस विषय को मुख्य रूप से राज्य अभ्यास तथा न्यायिक विनिश्चय के आधार पर शामिल किया जाता है। उसके बाद में फिर आता है आश्रय का आधार। राज्य को किसी व्यक्ति को आश्रय देने या आश्रय प्रदान करने का अधिकार इस सिद्धांत पर आधारित है कि उसे अपने राज्य क्षेत्र में पाए जाने वाले
सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रभुत्व संपन्न अधिकार है। इस प्रकार राज्य को राज्य क्षेत्रीय राज्य का अधिकार अपने राज्य क्षेत्र या उसके प्रभुत्व संपन्नता के आधार पर प्रदान किया गया है। यह अधिकार इस अर्थ में अनन्य है कि अन्य राज्य उस राज्य पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से वंचित किए जाते हैं। महासभा द्वारा 1974 में स्वीकार राज्य क्षेत्रीय आश्रय प्रारूप अभिशमन में अनुच्छेद 1 के अधीन मान्यता दी है कि आश्रय प्रदान करना राज्य का प्रभुत्व संपन्नता या प्रभुत्व संपन्न अधिकार है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त दूतावासों प्रतिनिधिमंडलों समुद्री जहाज तथा वायुयानों पर भी होता है। अतः किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता राज्य क्षेत्र के बाहर भी उसी सिद्धांत पर आधारित है जैसे कि राज्य क्षेत्रीयता का सिद्धांत। यद्यपि राज्य का अपने राज्य क्षेत्र पर तथा उसके राज्य क्षेत्र के बाहर अर्थात बाह्य राज्य क्षेत्रीय के स्थान पर विधिक नियंत्रण का स्रोत भिन्न भिन्न है। राज्य क्षेत्रीय अस्य के राष्ट्रीय विधियों के आधार पर दिया जाता है जबकि बाह्य राज्य क्षेत्रीय अस्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों पर आधारित है। राज्यों को संधियों का निर्माण करके अपने राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के आधार पर रोक लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार यदि राज्य फरार अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए संधियों को बनाते हैं तो उन्हें ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने की उसकी ओर से विधिक बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने के प्रभुत्व संपन्न अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी तरह अन्य अमानवीय तथा घृणित अपराधों के संबंध में भी आश्रय प्रदान करने के राज्य के प्रभुत्व संपन्न अधिकार पर उनके द्वारा रोक लगाए गए हैं। फिर भी यह सीमा राज्य द्वारा सर्वविवेक के आधार पर स्वयं लगाई जाती है। उसके बाद फिर आता है आश्रय के कारण। राज्य निम्नलिखित कारणों से अन्य देशीय को आश्रय प्रदान करता है। नंबर 1, आश्रय किसी व्यक्तियों को स्थानीय अधिकारियों की अधिकारिता से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह आशंका की जाती है कि उसके राजनीति या धार्मिक कार्यों के संबंध में विचारों में विभिन्नता होने के कारण उसके प्रत्यर्पण करने पर निष्पक्ष परीक्षण नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, व्यक्ति को विधि के अतिरिक्त आधारों पर अर्थात मानवीय आधारों पर आश्रय प्रदान किया जाता है। इसके लिए कार्तू चैनलवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रों के अनुत्तरदायी अनुभाग के हिंसक तथा अव्यवस्थित कार्यों के विरुद्ध राजनीतिक अपराधियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मानवीय आधारों पर आश्रय प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि आश्रय स्पष्ट अतिरिक्त विधि प्रकृति के किसी उपाय के विरुद्ध राजनीतिक अपराधी को संरक्षण प्रदान करता है जिसे सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग कर सकती है या प्रयोग करने का प्रयास कर सकती है। अतः मानव अधिकारों के उल्लंघनों को रोकने के लिए आश्रय प्रदान किया जाता है। नंबर 3, आश्रय प्रदान करने में राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो अपराधी उस राज्य में आज विद्रोही के रूप में है वह भविष्य में शासक भी हो सकता है। ऐसा होने पर यदि आज
स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 14 के अधीन प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न में या प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से दूसरे देश में शरण सौंपने तथा ऐसी शरण का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार को या इस अधिकार को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों तथा विराष्ट्रिकों के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखकर अभिव्यक्त किया गया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक मत से 1967 में एक संकृति अंगीकार किया था, जो राज्य क्षेत्रीय राष्ट्रीय घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में यह प्रावधान किया गया था कि कोई व्यक्ति ऐसे उपायों जैसे सीमा पर अस्वीकार या निकासी या किसी राज्य जिसमें उसका उत्पीड़न किया जा सकता है कि अनिवार्यता वापसी या अनिवार्य वापसी अर्थात व्यवस्था के अनुसार प्रवेश की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को शामिल करके इसके व्यापक अर्थ में अनियम विरुद्ध सिद्धांत के मध्य भी नहीं होगा। इस प्रावधान में यह अभ्यास होता है कि व्यक्ति को किसी राज्य में आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु दोनों दस्तावेजों को महासभा द्वारा घोषणा के रूप में स्वीकार किया गया हो तब होता है। तो क्या विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने आश्रय पर अपनी कुछ हेडिंग तुम्हारे सामने प्रस्तुत की। कल मैं अपनी नई वीडियो में आश्रय के प्रकार क्या होते हैं उस पर अपनी वीडियो बनाऊंगा और इस प्रकार से ये मेरा चैप्टर पूरा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत